श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारत ने लंकाई टीम को 3 विकेट से हरा दिया। भारत की गिरती पारी को महेंद्र सिंह धोनी और टीम इंडिया के बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार ने बखूबी संभाला। भुवनेश्वर कुमार ने बेहद जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते हुए 80 गेंदों पर 53 रन बनाए। वहीं भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 68 गेंदों पर 45 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेली। दोनों खिलाड़ियों ने रन उस वक्त बनाए जब लोग टीम इंडिया के जीतने की उम्मीद छोड़ चुके थे। दोनों खिलाड़ियों ने 8वें विकेट के लिए 100 रनों की पार्टनरशिप की, जो भारत के लिए रिकॉर्ड है। श्रीलंका के अकेले धनंजय ने बेहद उम्दा गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 54 रन देकर जबरदस्त तरीके से 6 विकेट झटके। इसमें 3 विकेट तो उन्होंने एक ही ओवर में ले लिए, जिसमें कप्तान विराट कोहली का विकेट भी शामिल है। भारत वनडे सीरीज में 2-0 से आगे चल रहा है। आपको बता दें कि टीम इंडिया ओपनिंग जोड़ी ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन 15वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा जब सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 54 रन बनाकर LBW हो गए। इसके बाद तो मानो टीम इंडिया के विकेटों को गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और लगातार 6 विकेट गिरते चले गए। लेकिन बाद में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को आखिरी पलों में जीत दिला दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक और शेयर कीजिए।